आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए होली का जश्न बड़ा ही धूमधाम से देखा गया पूरे प्रदेश में। रामनगरी अयोध्या में भी भक्तों से लेकर भगवान तक खेल रहे फूलों की होली। वैसे अयोध्या में तो एकादशी के बाद से ही होली के जश्न का माहौल शुरू हो जाता है। और दोस्तों जहां तक बात आती है होलिका दहन की, तो कल कई जगहों पर होलिका दहन कर दिया गया, कई राज्यों में कई जगहों पर। लेकिन क्योंकि इस बार होलिका दहन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कई सारे ज्योतिषज्ञों का यह मानना है कि होलिका दहन आज किया जाना चाहिए, तो कुछ जगहों पर आज 7 मार्च को होलिका दहन रहेगा, 8 मार्च को फिर कल रंगों वाली होली खेली जाएगी। अलीगढ़ में तो 8 मार्च को होली मनाई जाएगी, हाथरस में 7 मार्च को होली मनेगी। इस तरह से मतलब अलग अलग जगहों पर अपने अपने हिसाब से ज्योतिषाचार्यों पंडितों की राय के हिसाब से होलिका दहन किया जा रहा है। अलीगढ़ में देखिए 2770 जगहों पर होलिका दहन किया जाएगा। ड्रोन कैमरे से हुड़दंगियों पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरठ में भी एक घटना हुई, यहाँ किठोर में मुस्लिम बच्चों ने होलिका में आग लगा दी। ग्रामीणों ने बच्चों को पकड़ा, पिता मौके से फरार हुआ, गांव में फिर पुलिस तैनात हो गई। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कुल मिलाकर के कई सारे असामाजिक तत्व हैं। और इसीलिए योगी सरकार ने इस बार पहले से ही सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन की टीमें भी तैनात हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी निर्देश दिए कि होली पर अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम रखें, विशेष डॉक्टर ऑन कॉल रहें। आगरा में देखिए एक अनोखी प्रथा है, यहां कंस के पुतले को पीट करके अधमरा करते हैं और फिर होलिका का दहन करते हैं। 150 सालों से इस तरह की परंपरा चली आ रही है आगरा के गोकुलपुरा में। अच्छा होली के दिन यात्रियों की सुविधा के लिए 5 अलग अलग रूटों पर बसें भी चलाई जाएगी। राजधानी लखनऊ में और भी प्रदेश के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी एक्स्ट्रा बसों की तैनाती की गई है। यूपी रोडवेज प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, अगर आपको कोई दिक्कत है रोडवेज से संबंधित तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा होली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों को बड़ा तोहफा दिया और ऐसी बड़ी घोषणा कर दी जिससे किसान भाइयों की खुशी दुगुनी हो गई। दरअसल सीएम योगी ने सोमवार को कल सहकारी गन्ना और चीनी मिल समितियों में स्थापित फार्म मशीनरी बैंकों के लिए 77 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, यानी गन्ना किसानों को अब अपनी खेती करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज मिल पाएंगे। और इतना ही नहीं, योगी सरकार ने कुछ और बड़ी घोषणाएं भी की है। देखिए जैसे 4 साल में 2.5 लाख किसानों को मिलेगा निःशुल्क बीज। मिलेट्स यानी मोटे अनाज के प्रोत्साहन पर 4 साल में 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी यूपी सरकार और बीज उत्पादन के लिए भी 7 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी दावा किया कि यूपी में पिछले 6 साल से किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, खुदकुशी नहीं की। और पाकिस्तान पर भी तंज कसते हुए मुख्यमंत्री बोले कि पाकिस्तान आज दुनिया से भीख मांग रहा कि हमें लोन दे दो, लेकिन पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं दे रहा। तो यूं कुछ बातों का सिलसिला रहा। और इससे पहले भी आपको बताऊंगा, कल ही सीएम योगी ने युवाओं को भी होली का तोहफा दिया था। सीएम योगी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में अगले 4 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करेंगे, ये प्रॉमिस भी किया उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से। और इससे पहले भी रोड टैक्स वगैरह और रजिस्ट्रेशन फीस में शुल्क में छूट देने की घोषणा की थी इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह को लेकर। अगले 3 साल तक ये छूट मिलती रहेगी। तो ये कुछ मतलब दोस्तों प्रदेशवासियों के लिए वाकई में बड़ी अच्छी घोषणाएं की है योगी सरकार की तरफ से होली के त्योहार के मौके पर, राइट। आप सभी प्रदेशवासियों को भी आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से हैप्पी होली, ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दिल से आपको होली के त्योहार की। होली के रंगों की ही तरह आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग छाए रहे, मेरी यही प्रार्थना है आपके लिए। और अगर आप भी यही चाहते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक करके इस वीडियो पर मुझे बताइएगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी बोले 3 महीने में तैयार हो जाएंगे 15 और मिनी पीकू। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जंगल कोरिया और चरगांव सीएससी में खुले मिनी पीकू से लगभग 5 लाख की आबादी को राहत मिलेगी। और उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगले 3 महीने में 15 सीएससी पर भी मिनी पीकू स्थापित कर दिए जाएंगे। पीकू मतलब पीडियाट्रिक आईसीयू, स्वास्थ्य केंद्रों पर ये इस तरह के आईसीयू लगाए जाएंगे जिससे कि गांव के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, खास करके बच्चों वगैरह को गंभीर बीमारियों से निपटने के लिए भी अच्छे से इलाज की सुविधा मिल सके, इसलिए उन्होंने ये बड़ी घोषणा की है, है ना। और इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की है कि यूपी के गांव में दौड़ेगी मोबाइल मेडिकल यूनिट। योगी सरकार की तरफ से ये भी बड़ा फैसला लिया गया ताकि गाँव में आम जन को तुरंत इलाज मिल पाए, वो भी घर बैठे। गंभीर रोगियों को भी चिन्हित करके उनका इलाज किया जाएगा इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए। एम्बुलेंस की तरह ये होगी जिसमें सारी तरह की चिकित्सा सुविधाएं वैन में ही होगी, गाड़ी में ही होगी, मतलब जो लोगों को घर घर जा करके इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएगी। अच्छा अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रयागराज में मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के सभी 107 कमरों को सील कर दिया। खबर है कि यहीं पर उमेश हत्याकांड की साजिश रची गई थी। प्रयागराज शूट आउट के बाद अब दूसरे एनकाउंटर में इस मामले से संबंधित एक और अपराधी को ढेर कर दिया, उसका भी एनकाउंटर कर दिया। उमेश बाल कांड में 8 दिन में ये दूसरा एनकाउंटर किया गया। पहली गोली चलाने वाला
उस्मान भी अब ढेर हुआ। एडीजी बोले कि अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मुस्लिम हॉस्टल को भी सील किया गया। और इस उमेश पाल कांड में अब तक टोटल 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। पहला एनकाउंटर अरबाज का रहा जो 27 फरवरी को किया गया, दूसरा उस्मान का जो कल 6 मार्च को होली के दिन किया गया। अब सवाल ये कि अगला नंबर किसका, क्योंकि इस मामले में अभी भी दोस्तों 5 आरोपी फरार हैं, जिन पर यूपी पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा और अब तो इनाम की धनराशि को भी बढ़ा दिया, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको कल बताई थी, राइट। अच्छा अगला अपडेट देखिए, यूपी में कोरोना की फिर से दस्तक। इस जिले में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में H3N2 वायरस की दस्तक के बाद यूपी में कोरोना के भी मामले सामने आने लग गए। सोनभद्र जिले में दक्षिण कोरियाई समेत 3 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि से हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन कर दिया है। ओबरा सी परियोजना के कर्मचारी हैं ये। अच्छा मौसम समाचार पर भी खबर आ रही कि होली का रंग फीका कर सकती है बारिश। यूपी के कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के माने तो नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, आगरा को मिल गई पहली मेट्रो ट्रेन। डीएम ने इसका पूजन किया। 90 किलोमीटर की इसकी रफ्तार होगी और एक बार में 974 यात्री इसमें सफर कर पाएंगे। आगरा मेट्रो का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। मेट्रो का निर्माण तेज गति से चल रहा और इस बीच सोमवार को आगरा में पहली मेट्रो ट्रेन भी आ गई। मेट्रो डिपो में ट्रेन के इंजन और कोच का विधि विधान से पूजन किया गया। इस दौरान डीएम नवनीत सिंह और मेट्रो के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि हर 5 मिनट में मेट्रो ट्रेन चलेगी, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए, ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में टॉयलेट में मिली गंदगी। एसीईओ ने फर्म पर लगाया 10,000 का जुर्माना, 3 सफाई कर्मचारियों का वेतन भी रोका। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की रितु माहेश्वरी के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। बड़ी खबर है, भदोही में मोबाइल खरीदने पर बियर फ्री देने का ऑफर, पुलिस ने दुकानदार को भेजा जेल। एक मोबाइल खरीदने पर 2 बियर फ्री देने का ऑफर रखा था। इस ऑफर की जानकारी मिलने के बाद यूपी पुलिस ने दुकानदार को अरेस्ट कर लिया भदोही में। बड़ी खबर देखिए आप, शिक्षा स्वास्थ्य व संस्कृति की डोर को मजबूत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शोभा यात्रा में शामिल होंगे। दरअसल सीएम योगी मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार धनराशि का चेक दिए। 200 महिला मंगल दलों को भी स्पोर्ट्स किट बांटे। गोरखपुर का दौरा किया उन्होंने कल ही और इस दौरान ये कुछ बड़े कार्यक्रम हुए। वह देखिए नगर निकाय चुनाव पर अपडेट आ रहा कि 10 मार्च को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन, बढ़ सकेंगे नाम भी। 1 जनवरी 2023 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अच्छा अगला अपडेट है कि प्रदेश के कई शहरों में बनेंगे महिला आश्रय और बाल संरक्षण गृह है। पहले चरण में प्रदेश के 13 जिलों में ये काम कराया जाएगा। कोरोना काल के बाद प्रदेश में निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए अब यूपी सरकार ने संरक्षण गृहों की संख्या भी बढ़ाने का फैसला किया है और इसी के मद्देनजर विभाग की तरफ से 100 दिन की एक कार्य परियोजना बनाई गई है, जिसमें पहले चरण में 13 जिलों के लिए ये चीजें बनाई जाएगी। किन किन जिलों में बनाई जाएंगी जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा बड़ी खबर है, कानपुर देहात में पशुओं पर रंग डालने वाले जाएंगे जेल। डीएम ने जारी किया निर्देश, बोली कि रंग डालने पर पशु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। अक्सर होली के समय कई लोग पशुओं पर भी कलर लगा देते हैं, तो ऐसा ना लगाएं। वहीं देखिए बड़ी खबर, मोबाइल मेडिकल यूनिट का फ्लैग ऑफ। डिप्टी सीएम ने 10 जिलों में सेवाएं शुरू करने के लिए हरी झंडी दी। गाँव में लोगों को तुरंत इलाज मिलेगा इससे। इन यूनिट में MBBS डॉक्टर के अलावा फार्मासिस्ट, ANM और लैब टेक्नीशियन के साथ साथ जरूरी उपकरण और स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं भी उपलब्ध रहेगी। अच्छा बड़ी खबर देखिए दोस्तों, खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों में छापा मारा। मिठाई के 7 नमूनों को जांच के लिए भी भेजा गया। उत्तर प्रदेश मऊ में जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश पर कार्यवाही हुई। बड़ी खबर है, जालौन में कैदियों ने बनाए हर्बल रंग, नेचुरल कलर बनाए। 1 दर्जन से अधिक कैदी काम में लगे। कौशल विकास के तहत बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। अच्छा भाई देखिए, खाटू नरेश संघ भक्तों ने खेली फूलों की होली। भक्तों पर बरसाए गए 5 क्विंटल फूल। दर्शन को मंदिर में लगी भीड़। खाटू श्याम जी मंदिर जीवनी मंडी में आगरा में सोमवार को ये होली का जश्न मनाया गया। अच्छा वही देखिए दोस्तों, एक बड़ी कलयुग के समय को दर्शाने वाली खबर देखिए आप। बेटे बहू से नाराज बुजुर्ग ने सरकार के नाम लिख दी अपनी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया। घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। यहाँ अपने बेटे बहू से परेशान एक बाप ने अपनी सारी संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के नाम कर दी है, राज्यपाल को दान कर दी उन्होंने। बुजुर्ग की पहचान एक किसान नाथू सिंह के रूप में हुई है, जो फिलहाल वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। बुजुर्ग ने दावा किया कि उनका बेटा और बहू उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। देखिए मतलब जमाना क्या आ गया, आज एक बाप वृद्धा आश्रम में रह रहा अपने बेटा बहू के होने के बावजूद। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनके एक तो बेटा बहू है और 4 बेटियां भी हैं। 5 बच्चों के बाप हैं, जिनके यह हालत है कि वो उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, तो उन्होंने 1.5 करोड़ की संपत्ति योगी आदित्यनाथ के नाम और राज्यपाल के नाम कर दी है।
अच्छा बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर में 266 बेरोजगारों को मिला रोजगार। रोजगार मेले में 966 लाभार्थियों का इंटरव्यू लेने पहुंचे 22 कंपनी के अधिकारी। बड़ी खबर देखिए, संत कबीर नगर में 44 उद्यमियों को 3.5 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। SBI के महाप्रबंधक ने कबीर समाधि स्थल पर चढ़ाया चादर और कहा कि औद्योगिक विकास का हो रहा प्रयास। अच्छा वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 82 बच्चों को लैपटॉप दिए। गोरखपुर में मेधावियों को सौंपे चेक और साथ ही 2 पीकू वार्ड का भी CM ने शुभारंभ किया। दरअसल कल ही गोरखपुर दौरे पर पहुंचे थे CM योगी आदित्यनाथ और वहां उन्होंने कई सारी नई परियोजनाओं के साथ साथ युवाओं लड़के लड़कियों को लैपटॉप वगैरह भी वितरित किए। और CM ने कहा कि इस साल 23,000 करोड़ से भी ज्यादा सब्सिडी मिली। बिजली चोरी रोकने के लिए गठित की 88 रेड टीमें, सभी 75 जनपद में बिजली चोरी निरोधक थाने भी स्थापित किए जाएंगे ताकि अवैध बिजली चोरी करने वालों पर लगाम लगाई जा सके। अच्छा मैं देखिए, कानपुर में UP बोर्ड परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए। 18 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन होगा। बोर्ड एग्जाम तो समाप्त हो चुके हैं, 2000 शिक्षक कॉपियां चेक करेंगे। बड़ी खबर है, आगरा मंडल में 200 केंद्रों पर होगी गेहूं की खरीदारी। किसान भाई लोग 1 अप्रैल से 2125 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का भुगतान ले पाएंगे। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, बहराइच के बाजारों में दिखी होली की रौनक। खरीदारों की उमड़ी भीड़, बच्चों को भी भा रही नई डिजाइन की पिचकारियां। बड़ी खबर है, फिरोजाबाद में पकड़े जाएंगे आवारा गोवंश। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाने की फैसला किया है, अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई। वही देखिए, कानपुर में 15 तारीख से दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। फ्री में बांटे जाएंगे 5 करोड़ के कृत्रिम उपकरण। रोटरी लैब की तरफ से यह लक्ष्य तय किया गया। 15 से 17 मार्च तक एक सामाजिक संस्था की ओर से दिव्यांगों को उपकरण दिए जाएंगे जिससे कि उनको चलने फिरने में आसानी हो, कानपुर में है ना। अच्छा वही देखिए, सीतापुर में भी होली को लेकर बाजार गुलजार। 30 रुपए से लेकर 1500 तक की पिचकारियां इस बार बाजार में बिक रही है। बड़ी खबर है, न्यू कानपुर सिटी की लॉन्चिंग का रास्ता हुआ साफ। ऑफिस बनाने के साथ ही विकास कार्य कराने के लिए 100 करोड़ रुपए के टेंडर जारी। अच्छा अगला अपडेट है, उन्नाव में 78 करोड़ से होगा गंगा घाट का विकास। 14 मार्च तक पालिका को देना होगा विकास कार्य का खाका। प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी हुआ मंजूर। अंबेडकर नगर में गेहूं खरीद की तैयारी हुई शुरू। 1 अप्रैल से होगी खरीद। 4 एजेंसियों के 40 केंद्र खरीद बनाने के लिए भेजा गया प्रस्ताव। होली से पहले 150 संतों ने देखा राम मंदिर निर्माण। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि 75% काम पूरा हुआ, सितंबर तक ग्राउंड फ्लोर भी पूरा बन जाएगा। वही देखिए बड़ी खबर, मिर्जापुर में 1.5 करोड़ का मिलावटी खोवा बरामद किया गया। खाद्य विभाग की टीम को देखकर भागे दुकानदार। सरकारी आवास में किया गया था डंप। बड़ी खबर है, अंग्रेजों ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया। पहले 70% भारतीय साक्षर थे, ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख। उन्होंने ब्रिटिश शासकों पर तंज कसते हुए ये बात कही। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप UP में कौन से जिले में रहते कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगेन हैप्पी होली। डेली UP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।